नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर शाहजहांपुर से। अंडा चौराहा स्थित सपा कार्यालय के सामने चलती कार पर गिरा नीम का पेड़, पुलिस ने कार में फंसे लोगों को निकाला सुरक्षित। तस्वीरों में दिख रहा नजारा शाहजहांपुर की चौक कोतवाली क्षेत्र के अंडा चौराहे के पास स्थित सपा कार्यालय के सामने चलती कार पर करीब 100 साल पुराना नीम का पेड़ गिर गया। हादसे में कार सवार बरेली के व्यापारी राजीव अग्रवाल और उनकी पत्नी उषा अग्रवाल एवं ड्राइवर नवाब सिंह बाल-बाल बच गए, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से पेड़ के नीचे दबी कार को निकाला और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित कराई। शाहजहांपुर के व्यापारी अरविंद अग्रवाल ने बताया कि उपरोक्त कार रिश्तेदार बरेली से उनके यहां आए थे और बीसलपुर होते हुए कार से वापस बरेली जा रहे थे, तभी रास्ते में उपरोक्त हादसा हो गया। क्या कुछ कहना है कार चालक और व्यापारी अरविंद अग्रवाल का? किस तरीके का हादसा हुआ पूरा? हमारे बहनोई से राजीव अग्रवाल गाड़ी थी, अच्छा, और सायानपुर आए थे, बरेली लौट रहे थे, अच्छा, और यहाँ अचानक जैसे गाड़ी हुई लेकिन वो तीन थे ड्राइवर और जी आई थे, वो सुरक्षित है और ड्राइवर भी सुरक्षित है। ठीक है, कोई किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, गाड़ी के बस ही गया। हमारी बेटी, हमारे पति अंटा चौराहे की तरफ से अपने घर को आ रहे थे, जैसे ही हम लोग अपनी गली में घुस पाए वैसे ही वो पेड़ गिर गया अचानक में, और बस 2 मिनट पहले ही हम पेड़ के नीचे से गुजरे थे, उसके बाद में 2 मिनट बाद वो पेड़ गिर गया, और उधर से कोई गाड़ी आ रही थी फोर व्हीलर, वो फोर व्हीलर उस पेड़ के नीचे दब गई। कितने लोग सवार थे उसमें? 3 लोग बैठे हुए थे और तीनों लोग सही सलामत बच गए, किसी को कोई भी चोट नहीं आई। कितना पुराना पेड़ था ये? लगभग 100 साल पुराना पेड़ था। पूरा मामला हुआ किस तरीके की गाड़ी थी? जैसे हम बीसलपुर के लिए तरफ जा रहे थे, हाँ, और ना कोई हवा चल रही थी ना कुछ, और एक संग पेड़ गिर गया अचानक। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब इसमें कोई कितने लोग मौजूद थे और क्या हुआ? हम 3 लोग थे, मालिक थे मेरे, उनकी वाइफ थी, अच्छा, और जो है चोट किसी के नहीं आई है, सब सुरक्षित हैं। अच्छा, आप भी बच गए? जी, मैं भी सुरक्षित हूँ। अच्छा, अचानक पेड़ गिरा? अचानक पेड़ गिरा ना, हवा चल रही ना कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नवाब सिंह। नवाब सिंह जी। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट।